यहाँ पे है सांप का भी। तो गाइस यार हमारे पास है एक एनाकोंडा का डब्बा, इसके अंदर आता है पूरे 100 पीस, ये है नाग वाला पटाखे। तो गाइस यार फटाफट हम चलते हैं कहीं तो देखते हैं सांप का भी, जहाँ पे एनाकोंडा का घर हो, जिसमें एनाकोंडा रहता हो उसमें डालेंगे नाग वाले पटाखे को, और फिर देखते हैं रिएक्शन, क्या उसमें से एनाकोंडा निकल कर बाहर आता है या फिर क्या होता है। तो गाइस यार आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक दिखा है सांप का बिल, और ये में भी एक यहाँ पे भी सांप हो सकता है। तो गाइस यार उससे पहले हम सांप के बिल में डालें इस पटाखे को, उससे पहले फटाफट से निकाल लेते हैं बाहर, उसके बाद हम डालते हैं इस बिल को और लगाते हैं आग। तो गाइस यार सबसे पहले इसे हम फाड़ते हैं और निकालते हैं। गाइस यार इतना सारा डब्बा निकलता है इसमें से, इसे हम साइड कर लेते हैं, और इसमें से निकलता है ऐसे ऐसे 10 डब्बे, और एक के अंदर होता है 5-5 10 पीस, और इस 10 में से एक पॉकेट के अंदर, जैसे मैं ये मैं निकाल लेता हूँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं निकलेगा 4-5 गोलियां, देख सकते हैं इसके अंदर 5 गोलियां हैं लगभग लगभग। वही सारे को निकालते हैं बाहर। इतना सारा स्नेक वाले डब्बे में से इतने सारे गोलियां निकला है हम देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लगाते हैं उस बिन में इस गोली को डाल के आग। तो गाइस यार इतने सारे हैं हमारे पास स्नेक की गोली, आप देख सकते हैं सारी गोलियां को डालना है हम इस गोल के अंदर। गाइस अब लगा रहे हैं इसमें आग। लाइक कर देना गाइस, चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी सी फ्यूल डाल देते हैं ताकि ये अच्छा से सारी गोलियां जल पाए। तो गाइस आप देख सकते हैं जो एनाकोंडा है कितना बड़ा निकल के हमारे सामने आ चुका है, देख सकते हो का आप एक बार हाल देखिए, और हमारे हाथों में देखिए दो बड़े बड़े एनाकोंडा आपके सामने। तो गाइस ये कुछ ये हाल होता है।